बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में हम कंपोजिट वर्ड तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन रियल एनालिसिस में कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। आपके पास जो वेक्टर वैल्यू फंक्शन है उससे रिलेटेड हमारे पास ये एक फंक्शन है, और अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो एज अ थ्योरम ही है, एक हमारे पास एक या दो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स गिवन है, जिसकी रिस्पेक्ट से हम इसको ज़्यादा अच्छे से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम अपने कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कि हमारे पास जो भी फंक्शन है ना, अगर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊं, तो अगर आपके पास दो फंक्शन ऐसे होंगे, मतलब एक आपके पास एफ फंक्शन होगा जो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, और जो वो फंक्शन है ना वो हम किसी उसकी जो जो डोमेन कह सकते हैं, जो उसकी डोमेन होगी वो आर एन होगी, जो दूसरा फंक्शन होगा ना वो आपके पास जी हम ले लेंगे, और उसकी डोमेन जो है वो आर एम होगी। अब ये दो फंक्शंस हमने लेने हैं, और इन दो फंक्शंस को लेके हमने इसको एक्सप्लेन करना है। मतलब अगर जी अगर हम कहेंगे कि जी अगर एफ़ की डोमेन में हो, तो हम उस फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे। जी अगर एफ की डोमेन में हो, तो जी अगर एफ की डोमेन में हो तो आप उस फंक्शन को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एफ ऑफ जी इक्वल टू एच होगा। डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि आपके पास ऊपर से भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है आर एन पे, जैसे मैंने आपको बताया था, और एक वैक्टर वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास जी, जो कि आर एम पे है, जिसकी डोमेन डी जी है, और एफ की डोमेन डी एफ होगी। अब हमारे पास लेट कर लेते हैं एक सेट, और ये किसका सबसेट बनेंगे, जैसे कि हमने वेक्टर में कहा कि वो ये सारा वेक्टर टी का सबसेट है आर एम एन में से। तो अब हम टी जो होगा वो हमारे पास टी क्या होगा, टी हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास एक हमने यू वेक्टर वहाँ वेक्टर वैल्यू फंक्शन में लिया था, और हमने कहा था कि जी ऑफ यू यू नॉट के जो है वो हमने प्रूव किया था, जी ऑफ यू माइनस जी ऑफ यू नॉट किया था, या जी ऑफ यू इक्वल टू एल किया था जब हमने। तो हमारे हमने एक यू बेसिकली लिया, और यू में हमने कहा कि यू जो है वो हमारा डोमेन ऑफ जी में से बिलोंग करता है। कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि आपने क्या करना है, आपने जी अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जी अगर एफ की डोमेन में चला जाए, तो हमारे पास एक नया वेक्टर वैल्यू, एक नया कंपोजिट फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी अगर एफ की डोमेन में चला जाए, तो हमने जी फंक्शन में से एक वैल्यू ले ली यू, और उस यू को कहना है कि जो जी में से हमने यू लिया है ना, वो हमारा एफ डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करता है। मतलब यानी क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी यही है कि यू अगर डी डोमेन जी से है, तो जो जी ऑफ यू होगा ना वो डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करता होगा, और वो नॉन एम्प्टी होगा, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। वही बात जी अगर एफ में चला जाता है, तो हमारे पास एक नया कंपोजिट फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है टी पे ऑन बाय एच ऑफ यू, अगर यू में करें तो एफ ऑफ जी ऑफ यू, और यू जो है वो टी से बिलोंग करता है। इसके बाद ये हमारे पास एक इसकी डायग्राम से शो हुई भी है, डायग्राम भी थोड़ी सी देख लेते हैं। डायग्राम में उन्होंने क्या कहा है, जो मैंने आपको पहले बात बताई ना वही वाली बात है। क्या है डायग्राम में वो कह रहे हैं, डायग्राम में वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास देखें, एक आपके पास जी फंक्शन है, एक आपके पास एफ फंक्शन है। अब जो डी ऑफ जी लिखा हुआ है ना, जो ये लिखा हुआ है आपके पास जो डी ऑफ जी है, यहाँ पर ये जो एरिया शेडेड है ना, यहाँ पर आपके पास कोई यू, ये यहाँ पे आपके पास यू लाया कर है, क्योंकि हम यू जो है वो डोमेन ऑफ जी से मैंने आपको कहा बिलोंग करता है। और एक और जो हमारे पास ये वाला एरिया आपके पास यू हो गया, अब जो हमारे पास ये इसकी डोमेन फंक्शन होगी, और ये इसका कोडोमेन फंक्शन होगा, जिसको हम रेंज भी कहते हैं। अब ये फंक्शन इस फंक्शन में जाकर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जी फंक्शन में, ये जो मेरे पास जी फंक्शन है, ये हमारे पास नेक्स्ट किसी फंक्शन में जा रहा है, एफ फंक्शन में जाके जी ऑफ एफ बना रहा है। तो जी में जो यू लाए कर रहा है ना, जो कि आर हमारे पास किधर है, आर एम में है, वो आर एम से किधर जा रहा है, एफ में जा रहा है, और उस वो किधर है, आर एन में है। तो जो जी में यू है वो आर एन में से लेगा लेंगे, और किधर करेंगे उसको, आर एन में जी ऑफ यू करेंगे। मैं आपको इसको दोबारा से, जो लाइन मैंने बोली है उसको एक्सप्लेन करती हूँ, कि जो जी में यू है, जो हमारे पास जी में यू लाए कर रहा है, वो हम क्या करेंगे, वो रियल लाइन में आर एन में लेंगे, मतलब हम इसके कोड मेन में लेंगे, इस रेंज में लेंगे, हम जी में जो हमने यू लिया, हम यू को जो है वो एग्जिस्ट कराएंगे इस जगह पे। अब जब यू उधर चला जाएगा, तो आर एन में हमारे पास क्या बन जाएगा, जी एफ यू बन जाएगा, और जब जी एफ यू बन जाएगा, तो एफ, अब जी एफ यू तो बन गया, अब एफ भी तो हमने देखना है, एफ क्या था, एफ किसी
आर एन की सबसेट पर डिफाइन था। अब आर एन हमारे पास क्या है, आर एन हमारे पास जो एफ के लिए हमारे पास उसकी थी रेंज क्या थी, एफ के लिए हमारे पास ये जो थी, एक मिनट, एफ के लिए जो हमारे पास सबसेट था वो आर एन था और जी के लिए था वो आर एन था। अब एफ क्या है, एफ किसी आर एन के सबसेट पर डिफाइन था जिसको हमने टी का सबसेट कहा था। तो हमारे पास जी फंक्शन किधर जा रहा है, जी फंक्शन हमारा यू एफ में जा रहा है जिसको हम कहेंगे कि ये जी एफ यू में जा रहा है। और जब ये जी एफ यू में जा रहा है तो ये फंक्शन हमारे पास वापस आके क्या बनता है, एफ ऑफ जी एफ यू, जो कि हमने लास्ट टाइम भी कहा कि ये हमारे पास एफ ऑफ जी बन जाता है। और इस टोटल फंक्शन को हम फिर एच का नाम दे देते हैं। ये थी कंपोजिट फंक्शन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अगर आपका पीछे वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये इतना क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम में वो क्या कह रहे हैं कि यू नॉट इज़ इन टी एंड इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ टी। यू नॉट टी में है और उसका लिमिट पॉइंट भी है टी का। जी कंटिन्यूस होगा यू नॉट पे, एफ कंटिन्यूस होगा एक्स नॉट पे। अब जी कंटिन्यूस होगा ना यू नॉट पे, तो यू नॉट हमारा मतलब कि जी के अंदर से आ रहा है। और एफ कंटिन्यूस होगा एक्स नॉट पे, मतलब एक्स नॉट हमारा एफ में से आ रहा है। और जब वो कंटिन्यूस हो जाएगा तो हमने ये बात प्रूव करानी है कि वो जी एफ यू नॉट के इक्वल है और एच एफ एफ जी के इक्वल है और एफ एफ जी कंटिन्यूस होगा एट यू नॉट। ये वही बात है जो कि उसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेन है। सिंपल सी बात, जैसे कि हमने लास्ट में वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया डेल्टा एप्सिलॉन से, उसी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब तो हमने इस डेल्टा एप्सिलॉन को लिमिट्स से यूज़ करना स्टार्ट किया और अभी तक हम उसी कंडीशंस के साथ अपनी हर वेक्टर को, लिमिट को, कंपोजिट को डिफाइन कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं लाइंस पे। अब हम इसको देख लेते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस, अब एक्स नॉट आपके पास क्या है, एफ जी एफ यू नॉट के इक्वल है। एक्स नॉट आपके पास जी एफ यू नॉट के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ यू नॉट आ जाएगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, एक्स माइनस यू जी एफ यू नॉट करें लेस देन एप्सिलॉन वन आनी चाहिए। एप्सिलॉन वन आप एप्सिलॉन भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो यहाँ पर फंक्शन हैं एफ और जी, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन वन की कंडीशन लगा रहे हैं। और एक्स हमारा डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करता है। जी कंटिन्यूस होगा यू नॉट पे, जी कंटिन्यूस होगा यू नॉट पे, उसने कह दिया था कि ये टोटल फंक्शन जी कंटिन्यूस होगा यू नॉट पे और एफ कंटिन्यूस होगा एक्स नॉट पे। कब होगा ये अब हम बताने लगे हैं, जब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब कि आपके पास एक्स क्या है, जी एफ यू है ना, तो जी एफ यू माइनस जी एफ यू नॉट कर दें, लेस देन एप्सिलॉन वन आ गया। कब कंडीशन ये प्रूव होगी, जब यू एफ यू माइनस यू नॉट लेस देन डेल्टा हो, मतलब हम लिमिट में कहते थे एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा हो और एक्स हमारा डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करना चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जी फंक्शन है तो हम कहेंगे और यू के ऊपर कंटिन्यूस है तो हम यहाँ पे यू माइनस यू नॉट ले रहे हैं और यू अब हमारे पास जी फंक्शन में से यू ले रहे थे तो यू जो है वो डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करेगा। अब एक्स जो है वो जी एफ यू के इक्वल है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये वाला जो फंक्शन है ना जी एफ यू माइनस जी एफ यू नॉट, इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं जो कि हम मैंने आपको लास्ट में कहा था कि आपके पास कोई फंक्शन किसी जी से एफ़ में चला जाए तो हम उसे एच एफ एच की फॉर्म में लिखते हैं। तो लेकिन हम उसकी पहली एच की फॉर्म में लिखने से पहले हम इसकी ये वाली डेफिनेशन प्रूव करेंगे, एफ ऑफ जी एफ यू एफ ऑफ जी की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि मेरे पास जो अब फंक्शन बन चुका है ना जी एफ यू, मैं इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ जी एफ यू, इसको लिख सकती हूँ एफ ऑफ जी एफ यू नॉट और एफ ऑफ जी एफ यू को लिख सकती हूँ एच एफ यू और एफ ऑफ जी एफ यू नॉट को लिख सकती हूँ एच एफ यू नॉट और ये लेस देन एप्सिलॉन होगा और यू माइनस यू नॉट लेस देन डेल्टा होगा और यू जो है वो मेरे पास जी से बिलोंग करता था, जी क्या था, टी का सबसेट था। ये थी हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन थ्योरम के रिस्पेक्ट से, डेल्टा एप्सिलॉन कंडीशन के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी, इसके अलावा हमारे पास इसके आगे भी एक एग्जांपल है। तो अब वो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।